तो दोस्तों यहाँ पे पेटीएम की केवाईसी करने पर आपको मालूम होगा कि पोस्ट कार्ड बाय पोस्ट घर पे जाएगा विद इन 10 डेज यानी 10 दिन के अंदर आपको जाएगा। यहाँ पे कई सारे लोग मेरे कमेंट आ रहे हैं इस प्रकार से, जिन्होंने कह रहा है कि उनको 10 दिन से ऊपर हो गया पोस्ट कार्ड नहीं मिला। मुझे लगता हो सकता है कोई एरिया में दिक्कत हो, लेकिन जब मेरे एक कस्टमर जो मेरे रिलेटेड थे उनके मैंने री केवाईसी किया, केवाईसी एक्सपायर के बाद उनको अभी तक पोस्ट कार्ड नहीं 10 दिन ज्यादा ऊपर हो चुका है। जब मैंने इस विषय में पता लगाया तो क्या क्या इशू देखने को मिला, क्या प्रॉब्लम थे, इसका क्या कोई ट्रैकिंग नंबर मिल सकता है कि हम पता करें हमारा पोस्ट कार्ड कहाँ पर है, और यूट्यूब पे कुछ सारे वीडियो आ रहे हैं जिसमें कहता है कि केवाईसी मिनी केवाईसी करने का नया लोगों का नया तरीका बता रहे, तो इन सबको लिखा है कंप्लीट वीडियो। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं पेटीएम के न्यू केवाईसी कराने से या फिर आपका केवाईसी एक्सपायर हो गया बीसी पॉइंट पे वीडियो कॉल केवाईसी किया लेकिन आपके घर पोस्ट कार्ड अभी तक नहीं पहुंचा, क्यों नहीं पहुंचा, इन सबको लेकर एक कंप्लीट वीडियो वीडियो बनाने के पहले स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पोस्ट कार्ड डिलीवर्ड के रिलेटेड कि यहाँ पे कंपनी की तरफ से केवाईसी के बाद चाहे वो आपकी फिंगर बेस केवाईसी हो या फिर वीडियो कॉल केवाईसी, यहाँ पे घर पे एक पोस्ट कार्ड इस प्रकार से आएगा। बट ऐसे कई सारे लोग जिनके 10 दिन के अंदर कहा गया उससे ज्यादा टाइम हो गया, 15 दिन के 20 दिन हो गया, अभी तक उनके घर पे पोस्ट कार्ड पहुंचा ही नहीं है और ना ही उसने कहा कोई ट्रैकिंग नंबर डीसी मिले ताकि हम ट्रैक कर सके हमारा पोस्ट कार्ड है कहाँ पे। तो कंपनी ट्रैकिंग नंबर नहीं दे रही है, मैसेज के थ्रू भी नहीं गिर रहा है कस्टमर को, क्यों, क्योंकि इससे स्पेशली एड्रेस वेरिफिकेशन होगा, अगर ट्रैकिंग नंबर पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा आपका पोस्ट है कहाँ। तो ये कंपनी का मकसद है, पर्पज है कि जेन्युइन लोगों के पास पहुंचे उन्हीं का हो सके केवाईसी, तो फिर स्कैमर भी ट्रैक कर लेगा, उसे स्कैन करके कर सकता है, तो ट्रैकिंग नंबर नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज, पोस्ट कार्ड पहुंच क्यों नहीं रहा, तो यहाँ पर मेजर इशू है इसकी जो कोरियर सुविधा है, जैसा मैंने बात किया इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन निकाली तो पता चला कि DTDC कंपनी है उसको दिया गया और DTDC कंपनी का जो कोरियर शिपमेंट है ऑफिस है जहां से पोस्ट किया जाएगा वो हर जगह या बोले जो पूरी इंडिया में सभी जगह अवेलेबल नहीं है, लिमिटेड जगह है, शहर में है गांव में नहीं है, वहां से जाने में लोगों को दिक्कत होती है, तो इसे शिफ्ट कर इंडिया पोस्ट किया जाए इसमें कुछ समय लग सकता है। लेकिन अब क्या करें आप, तो सिंपली आपको हेल्प डेस्क में कॉल करना होगा, वहां से कंप्लेन रेज करनी होगी आपको कि आपने KYC कराया आपको पोस्ट कार्ड नहीं मिला है, तो कंपनी हो सकता है आपको रीइशू करे या फिर आपके जो पुराने पोस्ट है उसे शिफ्ट कर दे आपको इंडिया पोस्ट को और वहां से आपको डिलीवर कर दिया जाए। बट इन प्रोसेस में टाइम लगता है, तो आप एक और चीज कर सकते हो, आप फिर से वीडियो कॉल केवाईसी का ऑप्शन मिलता है तो कर लो, या फिर जहां आपने केवाईसी कराया था आप दोबारा री केवाईसी सबमिट करो, फिर से आपको एक पोस्ट कार्ड अगर आपने इसके जो टाइम पीरियड है क्रॉस कर चुके हो तो आप कर सकते हैं, फिर से पूरा आपको भेज दिया जाएगा। अब बात करते हैं नई केवाईसी की, कुछ लोग कहना कुछ लोग वीडियो डाल रहे हैं नया केवाईसी हो रहा है ऐसे ना वैसे वैसे ना वैसे, अभी केवाईसी केवल उन्हीं लोग करा सकते हैं जिनका केवाईसी एक साल ज्यादा हो गया एक्सपायर हो गया, वो लोग डोरमेंट हो गया यूज नहीं कर रहे वो लोग, या फिर जो लोग मिनी केवाईसी करवा रखे हैं आधार पेन से और वो केवाईसी कर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों का हो रहा है वही बाय पोस्ट QR वेरिफिकेशन के बाद। लेकिन उससे पहले नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। तो अब बात करते हैं नए केवाईसी वालों की, तो नए केवाईसी सिंपली आप कोशिश करना, अगर मिनी केवाईसी आपकी हो जाती है आपकी फुल केवाईसी इजीली हो जाएगी, लेकिन मिनी केवाईसी प्रोसेस ये है कि आपको पेटीएम ओपन करना है, सर्च बार सर्च करना है KYC, टॉप पे दो ऑप्शन मिलेगा केवाईसी पॉइंट, ऊपर वाले पर क्लिक करना है और वहां पे आपको अपने आधार नंबर और नाम के साथ ओके कर OTP से वेरीफाई करना है, आपको ट्राई कर देना, अगर ले लिया मिनी केवाईसी अगर हो जाती है हो सकता है आपको वहाँ पे कोई एरर देखने को मिले कुछ बग मिले, पर जैसा बाकी लोग यूट्यूब वीडियो डाल रहे हैं आप ट्राई करना, अगर ले लिया मिनी केवाईसी आपका फुल केवाईसी भी इजीली हो सकता है, बस यही प्रोसेस और कुछ नहीं है, ढिंढोरा पीट के अलग वीडियो देख के व्यूज तो लोग ले रहे हैं लेकिन वर्क मुझे नहीं लगता करे, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। और एक चीज, कोई लोग वीडियो पेटीएम रिलेटेड कुछ दिखाता है कुछ होने करे उसे कमेंट चेक करें, जो लोग उसको ट्रायल किए उसके रिप्लाई आएंगे हाँ वर्क करता है या फिर नहीं वर्क करता, बहुत सारे लोग ऐसे जो कमेंट ऑफ करके वीडियो शूट करते थे, इन सब स्कैमर या धोखाधड़ी वीडियो या फिर अपने व्यूज पाने वाले वीडियो से दूर रहे, यहाँ आपके नहीं उनको अपना फायदा दिखता है आपका फायदा नहीं दिखता है। बाकी फिलहाल वीडियो में इतना ही, बाकी किस प्रकार से QR वेरिफिकेशन होता है, QR कोड आने के बाद क्या करना पड़ता है उसके लिए वीडियो जो चेकआउट कर देते हैं, QR वेरिफिकेशन होने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या करना पड़ता है जब घर पे पोस्ट आएगा, पूरा जानकारी के साथ एक वीडियो दे दिया। आई होप एंजॉय दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।